तो आज हम ऐसा सब्जी बनाने जा रहे हैं जिसके आगे नॉनवेज भी फेल है। सबसे पहले हम कढ़ाही लेंगे, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टीस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे कटहल यानी जैकफ्रूट, इसको एकदम लाल फ्राई कर लेंगे। कटहल हमारा फ्राई हो गया, अब इसको निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया, अब इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब हमारी बारी है मसाला फ्राई करने की। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा, कुछ गरम मसाले खाड़े, तेजपत्ता, सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को भी हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक एंड हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गोल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, स्वाद के अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच 1 चम्मच। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि हम सूखा मसाला डाले हैं। अब सारे चीज़ों को 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। यहाँ पे मसाला फ्राई हो गया है, मसाले से तेल रिलीज हो गया है। यही पे हम डाल देंगे 1 बड़ा ऑयल टमाटर का प्यूरी, इसको भी हम 1/2 आवर्स फ्राई कर लेंगे। ये अब हमारा मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें हम कटहल एंड आलू जो फ्राई किए थे उसको इसमें डाल देंगे। कटहल और मसाले को मैं 1 मिनट तक पका ली हूँ, अब इसमें डालूंगी पानी और लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद 1/2 मिनट कुक कर लेंगे ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे। वाह, तो ये हमारा सब्जी देखिए बनके तैयार हो गया है। हम गार्निश कर देंगे कोरिएंडर पत्ता। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।